हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद फनवेनिया। आज का टॉपिक है हमारा लेक्चर वन से रिलेटेड। हमारे को किसी यूजर के व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मेरा एक नया लेक्चर हो जो कि इसमें हम आपको डेली लाइफ स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में कुछ आपको टर्म्स बताएं कि जिससे कि हम अपनी रोज़ रोज़ रेगुलर वाली बोलने वाली इंग्लिश को कैसे ग्रूम अप कर सकते हैं और क्या क्या वर्ड्स हमें जो पर्टिकुलरली हर एक मीटिंग के स्टार्टिंग में या फिर कोई अलग अलग तरीके के हम लोगों से मिलते हैं उनको हमें फेस करना पड़ता है, तो उस केस में हम कैसे कैसे क्या क्या वर्ड्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इसी तरीके के मीनिंग्स और कुछ फ्रेजेस से इसी तरीके से अवेयर कराता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 10 वर्ड्स जो कि जनरली हेलो और गुड बाय यानी मीटिंग को स्टार्ट करने और मीटिंग को एंड करने के पर्पज से जनरली यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्म मीटिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोफेशनल से या फिर किसी भी फ्रेंड या कलीग से प्रोफेशनली मिल रहे हैं तो उस समय क्या यूज करना है, और फॉर्मली जब मीटिंग को एंड अप कर रहे हैं तब क्या यूज करना है, इनफॉर्मली मीटिंग स्टार्ट हो रही है तब क्या यूज करना है, इनफॉर्मली मीटिंग एंड हो रही है किसी फ्रेंड से या किसी अपने लव्ड वन से, किसी नियर बाय वन से जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार वगैरह करते हैं उससे हमें कैसे बात करनी है, वो सब हम आपको इसमें आज आपको बताने वाले कि हेलो और गुड बाय कैसे कहना है। तो सबसे पहले जब मान लो फॉर्मल मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो प्रोफेशनल के सामने जो वर्ड वो यूज करना है वो है हमें हेलो यूज करना है, यानी हेलो सर सेंटेंस बने हेलो सर हाउ आर यू इस तरीके से सब, मतलब कि हमें प्रोफेशनली एक सेंटेंस को लिखना है। ठीक, हेलो सर हाउ आर यू। फ्रेंड से मिला हाय हाय, मेरे जैसे किसी फ्रेंड का हाय निखार नाम है, जैसे मेरे किसी फ्रेंड का नाम है हाय निखार, तो मैं उसको बोलूँगा हाय निखार। तो मतलब कि फ्रेंड के लिए हमें हाय यूज़ करना है प्रोफेशनली, आने का व्हाट अबाउट अवर प्रोजेक्ट, है ना, जैसे कि हम किसी प्रोजेक्ट पर बात करने जा रहे हैं, मैं निखार से बात कर रहा हूँ, व्हाट अबाउट अवर प्रोजेक्ट। तो ये तो हो गया फॉर्मल टर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मली हमने जब किसी प्रोफेशनल से मिले तो हमें क्या बोला, हेलो सर हाउ आर यू। और जब किसी निखार नाम के किसी में फ्रेंड या कलीग से मिल रहा हूँ और मैं उससे अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ कि तुमने प्रोजेक्ट के लिए क्या सोचा, तो उसको लिखा हाउ हाय निखार व्हाट अबाउट अवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट के लिए तुमने क्या सोचा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास में इनफॉर्मल मीटिंग, जब हम किसी अपने फ्रेंड से किसी लव्ड वन से मिलते हैं तो उससे हम किस तरीके से बात करेंगे। जैसे अपने किसी फ्रेंड और लव्ड वन से मिलते हैं तो हम जनरली वर्ड हम कोई सा भी हे हाय देयर हाउडी कोई भी, मतलब इनफॉर्मल है ये। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से, यानी कि हम किसी ऑफिशियल या फॉर्मल टर्म से नहीं मिल रहे हैं, हम जस्ट एक दोस्ती के नाते या फिर मतलब कि हमारी जान पहचान है और कोई हमारे घर का ही फैमिली मेम्बर है। ठीक है, तो उस केस के लिए हम किस तरीके वर्ड यूज करें, जैसे हाय की जगह हम यहाँ यूज करें हे हाउ आर यू हे बडी, इस तरीके से जब हमारा कोई फ्रेंड होता है तो उसको हम जनरली बोलते हैं हे बडी, मतलब कि हमारा दोस्त है यार है कोई भी तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं हे बडी। इसी तरीके से जब भी मतलब कि कोई फ्रेंड जब कि दूर बैठा हुआ है किसी या फिर किसी हम अपने नजदीकी चहेते से लव्ड वन यानी चहेता कोई अपने चहेते से बात कर रहे हैं तो उसको दूर से जब फोन पर बात कर रहे हैं दूर बैठा हुआ कहीं मतलब कि हमारे से दूसरी सिटी में बैठा हुआ है तो उसको लिखेंगे हाय देयर हाय देयर, क्या यूज करेंगे हाय देयर हाय निखार देयर देयर हाउ आर यू, इस तरीके के सैल्यूटेशंस हम यूज करेंगे। ये है क्या है सैल्यूटेशंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं सैल्यूटेशंस, मतलब कि जहां से हमें संबोधन करना है, संबोधन किससे करना है हाय देयर से करना है। व्हेन टॉकिंग जब भी हम किसी व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड और लव्ड वन ऑफ वी हैव टू यूज हाय देयर, क्या यूज करना हाय देयर हाय दोस्त तुम कैसे हो हाउडी, जब मतलब बहुत ही नजदीकी जो बहुत ही पुराना दोस्त होता है जिससे मतलब हमारी घनिष्ठ मित्रता होती है। ठीक है ना, तो उससे फ्रेंड के लिए क्या यूज करें इंग्लिश में व्हाट वी यूज वी विल यूज द वर्ड हाउडी, वी कैन यूज इट इज इनफॉर्मल वर्ड अनौपचारिक है इसका कोई फॉर्मल सेंस नहीं है, बट हमारे को यहाँ तो थे कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स ये हेलो हाय ये तो प्रोफेशनल फॉर्म के लिए यूज करने हैं, ये है इनफॉर्मल फॉर्म मीटिंग के लिए जिससे किसी फ्रेंड या लव्ड वन से मिलते हैं तब ये हमें हे हाय देयर हाउडी ये सब हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमको कोई मीटिंग को एंड करना है तो उस केस में हमें फॉर्मल कन्वर्सेशन को जब एंड करना है तो हम क्या बोलेंगे से बाय गुड बाय फ्रेंड्स, इस तरीके से गुड बाय सर इस तरीके से लिख सकते हैं गुड बाय सर
तो गुड बाय लिखा, प्रोफेशनल को बोला बाय बाय बोल दिया, बाय बोल दिया, तो मतलब बाय एक प्रोफेशनल को फॉर्मल वे में यूज करेंगे, जब ऑफिशियल टर्म्स में यूज करना है तो गुड बाय सर, आई विल टॉक टू यू लेटर, ये लिख सकते हैं, गुड बाय सर, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल सेंस में, ठीक है। और इसी तरीके से जब अब हम किसी से अनौपचारिक इनफॉर्मल वे में बात करना चाहते हैं, जैसे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो उससे हम कोई बाय वगैरह कुछ नहीं बोलेंगे, सी या लेटर, चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तो इस तरीके के जब सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है अपने फ्रेंड से, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, तो हम बोलेंगे सी या लेटर, चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, सी या लेटर। इसको वैसे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, या है या सी या लेटर, ठीक है। तो ये क्या हम बोलेंगे वहां पर जब भी हम किसी फ्रेंड से मिल रहे हैं, और फ्रेंड से अब हम अपने मीटिंग एंड कर रहे हैं, अब हम उससे दूर जा रहे हैं, हम कहीं और किसी काम से जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सी या लेटर, टेक केयर। जब कभी भी किसी भी अपने लव्ड वन, किसी चहेते से या किसी फैमिली फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कोई दोस्त है अपना, उससे हम क्या बोलेंगे, टेक केयर, यानी कि अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। जब भी हम किसी को अपने बहुत परवाह करते हैं, जब भी हम किसी बहुत ज्यादा इंटेंस केयर करते हैं, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं, हमारे जनरली वर्ड क्या आना चाहिए, जब जैसे वैसे तो हिंदी में हम बोलते हैं अपना ख्याल रखना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल टर्म्स में टेक केयर, क्या बोलेंगे हम फ्रेंड्स, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे टेक केयर, ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज को मतलब किसी को रिकमेंड करते हैं कि तुम कोई अच्छी चीज चूज करना, तो हैव अ गुड वन, तो मतलब कि जब भी किसी को हम सलाह देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, रिकमेंडेशन मतलब सलाह देना, किसी भी तरीके की सलाह देते हैं कि मतलब कि किसी भी नई अच्छी चीज चूज करना, चाहे सूट है, चाहे मोबाइल फोन है, चाहे कोई भी सामान है, उसको अच्छा चूज करने की जब सलाह देते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में एक सिंगल फ्रेज है, कुछ और ज्यादा बोलने की नहीं है, हैव अ गुड वन मोबाइल, हैव अ गुड वन, आदर ये मोबाइल भी हो सकता है, ये कोई सामान भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हैव अ गुड वन। और किसी दिन अब हम किसी से होप कर सकते हैं कि कोई हमसे मिल करके जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलें, जब भी कोई मिल करके जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि हैव अ नाइस डे, तो तुम्हारा दिन शुभ मंगल हो, शुभकामना अच्छा हो, मतलब कुछ भी हम मतलब उसके अच्छे दिन की कामना करते हैं, तो उसको होप के लिए उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, हैव अ नाइस डे, उसके लिए सिंबल सिंगल सेंटेंस है हैव अ नाइस डे, मतलब कि व्हेन वी होप फॉर समबडीज डे टू पीसफुल एंड एनर्जी, जिसका दिन हम बहुत ही अच्छा निकले, बिना किसी कष्ट के निकले, बहुत ही अच्छा आनंददायक समय निकले, तो अभी उस केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव अ नाइस डे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के कुछ सैल्यूटेशंस, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, जैसे किसी प्रोफेशनल से मिलते हैं तो पहली बार तो हम हेलो बोलते हैं, जैसे हेलो सर, हाउ आर यू, हाय, जिस किसी फ्रेंड से मिलते हैं, जो कलीग से मिलते हैं, तो उसमें लिखना होता है हाय निखा, व्हाट अबाउट अवर प्रोजेक्ट, और किसी भी फ्रेंड या लव वन किसी से मिलते हैं, तो उस केस में हम यूज करते हैं हे बड़ी, जैसे मैंने यहाँ किसी अपने यार दोस्त से मिलते हैं, तो उसके लिए हे वर्ड यूज करते हैं, हाय को ही हे बड़ी, कैसे हो, हे बड़ी, हाउ आर यू, ठीक है, हे बड़ी, हाय देयर, जब भी किसी फ्रेंड से बात करें, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स हु इज फार अवे फ्रॉम आवर फोन, फार अवे फ्रॉम अस, तो और हम उससे फोन पर बात करें, तो हाय निखार देयर, हाय देयर, हाय देयर निखार, हाउ आर यू, तो मतलब कि इस तरीके के हमें इनफॉर्मली यूज करना है। हाउडी, किसी क्लोज फ्रेंड से बात करनी है, तो हम उस केस में क्या यूज करेंगे, हाउडी यूज करेंगे। इसी तरीके से कभी भी कोई भी एक इंग्लिश कन्वर्सेशन को जब हमें एंड करना होता है, प्रोफेशनल से बात करें तो बाय बाय लिखेंगे, इनफॉर्मल में कभी फ्रेंड से अनौपचारिक रूप से बात करते हैं तो सी या लेटर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, किसी अपने ख्याल रखने वाले को बोलते हैं जब हमसे दूर जा रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं टेक केयर, अपना ख्याल रखना, किसी को भी अच्छी चीज चूज करने के लिए रिकमेंडेशन सलाह दे रहे होते हैं, तो हमें यूज करना हैव अ गुड वन, और जब किसी के लिए हम अच्छे दिन की कामना करते हैं, उसका दिन अच्छा निकले, उसका कोई उसको प्रॉब्लम ना आए, तो स्किल्स के लिए हमें यूज करना हैव अ नाइस डे। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सारे सॉल्यूशंस, अगर कोई फ्रेंड्स इनमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आई हो, ये था हमारा पहला लेक्चर, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कोई क्वेरी है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हैं, और मैं अगले लेक्चर में आपको कुछ और नए फ्रेजेस और नए सॉल्यूशंस के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।